सर सर अभी तो कम से कम दो मिनट सर, दो मिनट हम लोग चले जाएंगे। अभी तो जस्ट आपको बताया सर, बार बार एक ही चीज़ दोहराना ठीक नहीं है, अलाउ नहीं है सब, हर चीज़ मैंने बोलना। बताइए इन लोगों, ये लोग नहीं थे ना, बताइए कैसे हुआ है, कब हुआ है घटना? 2 बजे लमसम हुआ है। कैसे हुआ है घटना बताइए? मैं 4 आदमी आया, अपना बंदूक दिखाया और जो अपना उसको करना था करके चला गया। कितने कस्टमर थे लगभग उस समय आपके? 6-7 कस्टमर थे, उतना तो गिने नहीं हम लोग, 6-7 कस्टमर थे। अच्छा, CCTV कैमरा में ये सारी वारदात कैद नहीं हुई? हुआ है, CCTV DVR लेके चला गया है। कौन लेके चला गया? कितने पैसे की लूट? उसका अभी हिसाब नहीं हुआ है, एग्जैक्ट हिसाब अभी नहीं हो पाया। अब तक कितनी फिर भी लूट हुई है? वो हिसाब देखना होगा, देखिए सिस्टम उस्टम अभी हम लोग कुछ नहीं चला है, हाथ नहीं लगा। फिर भी 16+ होगा, 16 लाख। हाँ, उससे 16 लाख से अधिक का। क्या नाम क्या हुआ? राजू घोष। बंधन बैंक में लूट की घटना घटी है, अभी तक की छानबीन में ये बात आ रही है कि 4 अपराधी आए थे बैंक में और पिस्तौल का भय दिखाकर पैसा ले गए हैं कैश काउंटर से, 16 लाख रुपये जाने की बात बताइए। मुख्य चौक है सर, नगर पंचायत का मोहन जो, यहाँ पर महागामा के बाद सबसे अधिक आवाजाही होती है, गाड़ी आते जाते हैं। ऐसे में सर दिन दहाड़े इस तरीके से इस तरीके की घटना को अंजाम देना, आपको नहीं लगता है बहुत बड़ी कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है? नहीं तो लगता है कि अपराधी जो भी किए हैं घटना, जरूर मन बढ़ू वाला और मनोबल वाला काम किए हैं, इन लोगों को हम लोग जरूर पकड़ेंगे और कार्रवाई करेंगे। बैंक वाले कितने पैसे का सर बता रहे हैं आपकी, कितना पैसा हमारा गया? बैंक वाले 16 लाख रुपये बता, 16 लाख रुपये। अभी आगे क्या कार्रवाई की? आगे पुलिस टीम बनाकर छानबीन कर। एक ग्राहक के 70,000? हाँ, एक ग्राहक का भी 17,000 रुपये गया। सबसे बड़ा चूक क्या नजर आ रहा है सर, बैंक प्रबंधन की तरफ से हुआ है या फिर महागामा प्रशासन की? देखिए इसमें चूक के संबंध में हम लोग भी छानबीन कर रहे हैं कि कहाँ से चूक हुई है। कोई कार्रवाई आगे? हाँ, आगे कार्रवाई तो निश्चित होगी, यहाँ से चूक हुई है, प्लस फर्स्ट हम लोग का काम अपराधियों तक पहुँचना है। आपको लगता है कि महागामा पुलिस जो है अभी, मतलब जो स्थिति होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं? नहीं, पुलिस तो अपना ड्यूटी करती है, बराबर चेक होता है और बराबर हम लोग आते हैं। बैंक में कोई सिक्योरिटी नहीं है परमानेंट, ये सब एक कारण नजर आता है अभी तक। सर पहले भी महागामा SBI ब्रांच से पैसे लेकर निकलते कस्टमरों का पैसे छीन लिए गए हैं सर, लेकिन अब तक वैसा कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया? नहीं, पहले कुछ अपराधी पकड़े गए हैं लेकिन कोई कोई घटना डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन इस बार हम लोग अपराधियों तक जरूर पहुंचेंगे।